मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता का किरदार निभाने वाली मुनमुन ने हाल ही में यौन उत्पीड़न और शोषण की घटना पर पर्दा उठाते हुए अपनी एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुई एक घटना का खुलासा किया है। इसी के मुद्दे पर बात करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर अपनी वाक्य को दुनिया के सामने रखा है। मुनमुन ने पोस्ट में लिखा है कि ऐसा कुछ लिखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ऐसा करके मैं वापस बचपन की उन यादों में जा रही हूँ जब मैं अपने नजदीक में रहने वाले एक अंकल से डरती थी। उन्होंने जब भी मौका उन्हें मिलता था वो मुझे जकड़ लेते थे और धमकी देते थे कि ये बात किसी को ना बताऊं, या मुझसे उम्र में कहीं ज्यादा बड़े कजिन जो अपनी खुद की बेटियों से अलग तरह की निगाह से मुझे देखते थे, या वो आदमी जिसने मुझे अस्पताल में पैदा होते हुए देखा था और बाद में जब मैं 13 साल की थी तो उसने मुझे छूना सही समझा क्योंकि मैं एक टीनेजर थी और मेरे शरीर में बदलाव हो रहे थे। मेरा ट्यूशन टीचर जिसने मुझे नीचे हाथ लगाया था, वो टीचर जिसे मैंने राखी बांधी थी, जो अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को उनके ब्रा का स्ट्रैप पकड़कर खींचता था और लड़कियों के स्तन पर थप्पड़ मारता था, या ट्रेन में मिला वो आदमी जिसने मुझे जकड़ लिया था क्योंकि आप इतनी छोटी थी और डरी हुई थी कि कुछ कर ही नहीं पाई, इतनी डरी हुई कि आप अपने पेट में एक अजीब सी मरोड़ महसूस करती हैं और आपका गला डर के मारे सूख जाता है। आप समझ नहीं पाते कि आप अपने पेरेंट्स को ये कैसे बताएंगी, या आप शर्म के मारे ये किसी को बता ही नहीं पाती, और तब आपके भीतर मर्दों को लेकर एक अजीब सी नफरत पैदा होने लगती है क्योंकि आपको लगता है कि यही वो अपराधी है जिनकी वजह से आपको ये महसूस करना पड़ा है। ये एक ऐसी भावना है जिससे बाहर आने में आपको सालों लग जाते हैं। मुनमुन ने इस कैंपेन से जुड़ने की बात पर लिखा था कि मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं भी इस कैंपेन से जुड़ने वाली हूँ, एक आवाज बनी हूँ और लोगों तक ये संदेश पहुंचा रही हूँ कि मुझे भी नहीं छोड़ा गया, लेकिन आज मैं किसी भी मर्द को सबक सिखा सकती हूँ जो दूर से भी मेरे साथ कुछ करने की सोचे, मुझे आज अपने आप पर गर्व है। तो क्यों दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।